राम राम दोस्तों, हैप्पी आखा तीज। और बाजरी को खिचड़ो। आज आखा तीज है तो हम खिचड़ा बनाएंगे। मैन बाजरी है और बाकी सब ये यहाँ पे थाली में रख रखी है। ये बाजरी भी गड़ी है और अभी ने कूट ले सा, कूट के खड्डी बना के रे फिर धान सा गड़ा के खिचड़ो बना सा। ये सबसे पहले बाजरी है, इस बाजरी को कुछ देर तक भिगो दिया और अभी इसको कूटेंगे। मोट बाजरी को खिचड़ो तो आखा तीज को ही। हाली अड़बावे नहीं जके ने पहल पोत को बैठो है मोदी जको अड़बावे। अगर अड़ नहीं बावे तो आजकल तो कौन अड़बावे। पहला ऊंट के लार हल जोड़ता नहीं दे मोटो बेटो उन तो बाप गए बो ही अड़ जो बाण उन तो जन भी नहीं खींचड़ो पहली जमा उन ताका तीज को के भाई पहला बेटे ने जिमाओ एर के भाई आप घर में मोटे आ रहे भी नहीं जिमा दी पहला। कुटो कुटो खोडी कुटो सीखो सासू कुनू की। पछे याद करियो कि सासू सिखायो माने। ये इसके बीच बीच में बाजरी साबुत है तो इसको एकदम कूट के बारीक करना है। ये बाजरी कूट के तैयार कर ली और ये मोट की दाल है, ये मूंग की दाल, ये सात दान का खिचड़ा है और ये गेहूं का दलिया। ये कौन सी दाल है? मसूर। मसूर की दाल और ये चावल और चने की दाल है, वो भिगो कर उसके अंदर डाल दिए। ये नमक ये पानी उबल गया तो अभी इसके अंदर सब ये मिक्स करके सात दान है वो डाल रहे हैं। पुराने टाइम से ही आखा तीज के दिन चक्की से पीसे हुए, मतलब चक्की से पीस के आटे से रोटी नहीं बनाते थे तो मतलब कूट के और फिर ऐसे ही खिचड़ा बनाते थे। अभी भी बनाते हैं हम। खदबद खदबद सीजे खिचड़ा बन गया है और अभी कड्डी बना रही हूँ। चूल्हे की कड्डी भी टेस्टी होती है। खिचड़ा बन गया, खिचड़े को खीरा निकाल के खीरों के अंदर रख दिया और अभी कड्डी बना रही हूँ।
सब्जी चूल्हे की टेस्टी बनती है, तो चूल्हे पे ही बना रहे हैं। और इसमें लून मिर्च हल्दी दाना सब मिक्स है, दही लून मिर्च हल्दी दाना और बेसन, अब सीधा इसके अंदर डाल दूंगी। मिर्ची और प्याज एकदम फ्राई हो गए। घी जो ताप देना पीते थे तो सिर बोल गए थे तो मार रहे हैं अब तो फटो ब्रिज जी इस तो दही ही शिलाव से अपन दही अरे कानूड़ो चाला कर गयो मारे घर में बाजरो दर गयो रे कानूड़ो चाला कर गयो मारे घर में बाजरो दर गयो जदर बाजरो बावण लागी जदर बाजरो बावण लागी हाय मेरे अड़िए में बड़ पड़ गयो रे कानूड़ो चाला कर गयो रे कानूड़ो चाला कर गयो मारे घर में बाजरो दर गयो।